नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कुवैत के बारे में। जी हाँ, कुवैत की मात्र 8,000 रुपये फ्लाइट। जाना है किसी को कुवैत में तो भाई कांटेक्ट कर सकते हैं एजेंट लोगों से, और आप जैसे लोग कांटेक्ट करते हैं तभी तो मेरे पास सूचना आती है, वरना मुझे तो नहीं पता लगता ना कि एजेंट लोग 8,000 रुपये में वीज़ा भी दे रहे हैं, पुलिस वेरिफिकेशन भी दे रहे हैं, टिकट भी दे रहे हैं और आपको दुबई भेज रहे हैं। जी हाँ, माजरा पूरा हम बात करेंगे, वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको कुवैत से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर ले। बंदे ने मुझे एक पुलिस वेरिफिकेशन का भेजा, एक वीज़ा भेजा, बोला सर इसको देखिए, चेक करके बताइए। एजेंट की वॉइस भी भेजी, एजेंट ने बोला है कि कल सुबह तक 8,000 रुपये आप हमें दे दीजिए, फिर मैं आपकी टिकट करवा देता हूं। और अभी आप कहां से हैं? बंदे ने बताया मैं यहां से हूं। तो कोई नहीं, वहां से आप फ्लाइट पकड़िए, उसकी भी मैं टिकट दे दूंगा, फिर आप दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से फिर आपको मैं सब कुछ टिकट वगैरह यहां से करवा के और फ्लाइट कर 5 अगस्त की फ़्लाइट करवा देता हूं, उसके बाद 25 अगस्त को नंबर आएगा, फ़्लाइटें फिर बुक हैं सब की सब। ये बंदे को बताया। अब मेरे से बात हुई बंदे से, तो बंदे ने बताया कि सर मैं दूसरी स्टेट से हूँ, और दूसरे यानी देखिए होता क्या है, जैसे आप राजस्थान से हैं, आपको वीज़ा आता है तो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट मांगी जाती है, अच्छी बात है, लेकिन वो तो आपके लोकल थाने की पुलिस रिपोर्ट होती है ना, लोकल थाने की पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट होती है। बंदा है पंजाब का और उसको भेजी पुलिस वेरिफिकेशन, दिल्ली से भेज दी बना के, मेरे पास है, आपको दिखाऊंगा मैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पुलिस वेरिफिकेशन दिल्ली से भेज दी, और उसको बोलता है आप दिल्ली पहुंचो और 8,000 रुपये आज मेरे अकाउंट में डाल दो, कल की मैं आपको फिर टिकट बना के दे देता हूँ। आप बताओ जी, सच है क्या? कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, आप लोग खुद समझें। बंदे को ये वीज़ा दे दिया, आप देख सकते हैं, देखो जी ये बंदे को वीज़ा दे दिया। अब वीज़ा तो ठीक है, ऐसा वीज़ा आता है, लेकिन ये वीज़ा एडिट किया हुआ है भाई। अब इसको चेक भी करोगे ना वीज़ा नंबर से, तो वीज़ा तो अप्रूव्ड दिखा देगा, तो आपको तो ये लगेगा बल्ले बल्ले हो गए जी, वीज़ा तो हमारा ओके ही है। ये देख सकते हैं पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, बंदे को बताओ देखो किस तरह से सर्विस नंबर डाल के पुलिस वेरिफिकेशन देवेंद्र कुमार एडिट किया हुआ है। शर्म कर ले भाई, गाली निकालने को जी करता है, बेवकूफ इंसान, कुवैत के वीज़ा दे रहा है, ये बताओ हद हो गई, 8,000 रुपये में वीज़ा टिकट सब कुछ दे रहा है, लोग 1.5 लाख देने के लिए तैयार हैं, वो कुवैत नहीं जा पा रहे हैं, हद हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें आपके पास भी आती होंगी भाई, वीज़ा तो बहुत सारे लोगों के पास आते हैं, ऑफर लेटर, पुलिस वेरिफिकेशन आई है पहली बार मेरे पास, बताओ बंदा पंजाब का दिल्ली से पुलिस वेरिफिकेशन भेज दी, फिर उस दिल्ली में रिकॉर्ड है क्या, उसका क्राइम का रिकॉर्ड है या नहीं है, वो तो जहाँ लोकल रहता है वहीं से रिकॉर्ड आएगा ना। इन चीज़ों की भी सावधानी रखिए भाई, वरना ये लोग है ना, इनका टारगेट है पैसा खाना। अब 8,000 रुपये मांगे मात्र, अब बंदा क्यों नहीं देते यार 8,000 रुपये? बंदे जिस बंदे को कह का मतलब ही नहीं पता विदेश के मामले में, वो तो 8,000 रुपये आराम से दे सकता है, तो कमाई हो गई ना 8,000 की, 8,000 के पीछे कहाँ धक्के खाते फिरेगा, छोड़ देता है। तो इस तरह की सावधानी रखिए ताकि आपके पैसे खराब नहीं हो और आपका समय खराब नहीं हो। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दी वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय